वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम निखिल फ्रॉम कैरेकिक सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जो भी लोग नीट 2020 वाले भी रह गए हैं थोड़े से, या जिनको एडमिशन नहीं मिल पाया है, या ऐसे कैंडिडेट जो कि डिस्क्वालिफाइड हैं, या डिस्क्वालिफाइड पे यार रेगुलर वीडियोस नहीं बनाई जा सकती, बिकॉज छोटा सा एक उसका प्रोसेस है और उस प्रोसेस पे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी जैसे कि कुछ काउंसलिंग ऑनगोइंग है, अगर आपकी यार जैसे कि 113 से अब मतलब कि एटलीस्ट जस्ट आप क्वालिफाइड थे, लेकिन किसी कारण आपका एडमिशन नहीं हो पाया है, जैसे कि जनरल और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 113 स्कोरिंग चाहिए था, और आपकी ओबीसी एससी एसटी या उनमें से आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी तो आपको 87 स्कोरिंग चाहिए थी। अगर आपकी 87 भी स्कोरिंग है ना, 88 भी है, अगर आपकी कैटेगरी के हिसाब से अगर आप जस्ट एलिजिबल हो रहे हो ना आयुष काउंसलिंग के लिए, तो आप जरूर पार्टिसिपेट करो। यूपी की अभी आयुष की काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन डेट भी एक्सटेंड हो गई है, जो कि 13 तक चली गई है, और उधर उत्तराखंड में भी एक्सटेंशन आया है, बिकॉज एक नोटिस आया हुआ था आयुष मिनिस्ट्री से जिसमें की डेट 15 मार्च तक थी, वो 20 मार्च तक कर दी गई है। तो काफी ज्यादा एक एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है, और जो लोग यार डिस्क्वालिफाइड हैं, या जिनको डर लग रहा है कि सर मुझे एडमिशन नहीं मिल पाएगा, तो एक रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, तो जाकर आप उसको रजिस्टर कर दो वहां से, अपना नेम नंबर और ईमेल आईडी एकदम करेक्ट रखना। जब भी डिस्क्वालिफाई के लिए आएगा, जब भी नोटिस आता है ना, अभी यार कहीं पर भी नोटिस नहीं आया, किसी स्टेट पर नोटिस नहीं आया है, और यार एक नोटिस है जो कि वायरल हो रहा है, और आई होप वो बिल्कुल के बिल्कुल उस पर आपको ध्यान नहीं देना, और वो पूरा का पूरा मतलब पुराना होगा या एक तरह से फ्रॉड है, तो उससे थोड़ा सा बच के रहना। जब भी नोटिस आएगा हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे, हम आपको जरूर बताएंगे चैनल के थ्रू। अगर आप फॉर्म फिल कर देंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, अगर आप कोई गलत स्टेप नहीं लेंगे, किसी गलत कैंडिडेट के टच में नहीं जाएंगे, किसी कॉलेज में आप फीस नहीं सबमिट करेंगे, बिकॉज एक कॉमन प्रॉब्लम यार यूपी में आ रही, बहुत सारे कॉलेज यार हाई कोर्ट अप्रूवल हैं, बच्चों की कितनी सीट्स फुल हुई है, 100 सीट के कैंपस कैपेसिटी है, 20 सीट फुल हुई है, 1 लाख रुपए फीस, और उसने 50,000 का डीडी भी जमा कर रखा है, लेकिन क्लास अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। ये चीज मैं पहले भी बोल रहा था, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे फंस गए हैं। तो अभी भी अगर आपको ऑप्शन है, अगर आपको अभी भी सीसीएम अप्रूव्ड कॉलेज में अगर आपको ऑप्शन बनाना है, तो बैकअप ऑप्शन आपको चाहिए, अगर या बैकअप नहीं बोलूंगा मैं, बोलूंगा एक फाइनल ऑप्शन अगर आपको चाहिए, तो आप हमारी टीम से, हमारे काउंसलर से कॉन्टेक्ट करिए। आप क्वालिफाइड हो या डिस्क्वालिफाइड हो, हर एक का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। डिस्क्वालिफाइड को थोड़ा सा यार और वेट करना पड़ेगा। आई होप अगर आगे के लिए कुछ आता है नोटिफिकेशन, तो हम आपको जरूर चैनल पर प्रोवाइड करेंगे, और यार अगर जो लोग ड्रॉप कर रहे हैं तो वो लोग भी अपना रिमार्क में या ड्रॉप लिख के चैनल पे जो एक डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है ना फॉर्म, उसको फिल कर देना, ताकि थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा नीट 2021 वाले कितने स्टूडेंट हैं। और यार वीडियो को शेयर जरूर किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।